हेलो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। तो किसान भाइयों, आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि मक्का में बढ़ रहे पीलापन को हम अपने खेतों से किस तरह से दूर कर सकते हैं। किसान भाइयों, आज का समय कुछ इस तरह से चल रहा है कि हर तरफ मक्का में पीलापन बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा है। किसान भाइयों, मैं बता दूँ, यह रोग जो है बिहार के हर क्षेत्रों में देखने के लिए मिल रहा है। किसान भाइयों, मैं बता दूँ कि पीलापन के लक्षण जो है, शुरुआत में पत्तियाँ थोड़ी थोड़ी पीली पड़ती हैं, उनके बाद पत्तियाँ धीरे धीरे लाल होने लगते हैं और फिर सफ़ेद भी हो जाते हैं। और इस तरह से हमारे मक्का के पौधे कुछ इस प्रकार से प्रभावित होते हैं कि जिसके कारण से मक्का के हाइट जो है बिल्कुल ही बढ़ना बंद हो जाते हैं, जैसा कि आप हमारे इस वीडियो में भी देख सकते हैं। अगर आपके भी खेतों में मक्का पीला या लाल हो रहा है तो आप हमारे इस वीडियो को एक बार जरूर देख कर जाइए। आशा करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आपके सामने जो समस्या है उन समस्याओं का हल मिल जाएगा। किसान भाइयों, अब बात करें कि मक्का में पीलापन होता क्यों है। तो मक्का में पीलापन होने का कारण है नाइट्रोजन की कमी और दूसरा सल्फर की कमी। और अगर आपके क्षेत्रों में ठंड ज़्यादा पड़ रहा है तो इसे कुछ ठंड भी प्रभावित करते हैं, जिसके कारण मक्का जो है पीलापन का शिकार हो जाता है। तो किसान भाई, चलिए बिना समय गवाए हम बात करते हैं कि मक्का की जो पीलापन है, हम इसे कम खर्च में किस तरह से ठीक कर सकते हैं। वैसे तो आप दुकानदार के पास जाएंगे इनका दवाई लेने के लिए तो आपको तो दवाई दे देगा, लेकिन उनका काफ़ी बजट होता है। तो मैं आपको इस वीडियो में तीन प्रकार के दवाइयों के नाम बताएंगे जो कि सस्ता भी है, और इनमें से कोई एक का भी आप उपयोग करके आप अपने खेतों का पीलापन दूर आसानी से कर सकते हैं। मैं जिस दवा का नाम बताने जा रहा हूं, जिसमें नंबर एक पे है सूर्या जिंक, जो कि काफ़ी बेस्ट रिजल्ट देता है। इनकी प्राइस की बात करूँ तो आप एक पैकेट को 95 रुपये के आसपास में खरीद सकते हैं। इनमें 250 ग्राम दवाई होता है। अब इनके डोज की बात करूँ तो आप एक पैकेट को 8 लीटर पानी में घोल लीजिए और फिर 1 लीटर घोल 15 लीटर पानी वाले डब्बे में डालकर आप अपने खेतों को स्प्रे कीजिए। इनमें टेक्निकल है जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट 33%। और नंबर दो पे बात करूँ तो नंबर दो पे है कोहिनूर, इनमें भी टेक्निकल है जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट 33%। किसान भाइयों, इनका भी उपयोग आप उसी प्रकार से कर सकते हैं, इनका भी सेम प्राइस है। और नंबर तीन पे है नोवोजीन, जिनमें टेक्निकल है चिलिटेड जिंक इडिटा 12%। किसान भाइयों, आप इनका भी उपयोग 8 लीटर पानी में पूरा पैकेट को घोल दें और फिर 1 लीटर को 15 लीटर वाले डब्बे में डालकर आप अपने खेतों को स्प्रे कीजिए। किसान भाइयों, हमने आपको तीन प्रकार के दवाई बताए जो कि तीनों पाउडर के रूप में होता है। किसान भाइयों, आपके मार्केट में इन तीनों में से जो भी दवाई हो उसे मंगवा लें और अपने खेतों को स्प्रे कीजिए। इन दवाओं से निश्चित ही आपके खेतों के पीलापन दूर हो जाएगा, और आप चाहें तो इन दवाओं के साथ विटामिन या कीटनाशक दवाई मिलाकर आप अपने खेतों को स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, यह था आज का छोटा सा जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को 1 लाख जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और किसान भाइयों, अगर आपके मन में कोई सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।